प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ही मंच से एक दूसरे पर सियासी तंज कसा है। गहलोत ने प्रधानमंत्री से विपक्ष का सम्मान करने की बात की तो मोदी ने कांग्रेस के शासनकाल में रुके विकास कार्यों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग देश में अच्छा होते हुए नहीं देखना चाहते, उन्हें केवल विवाद खड़ा करना अच्छा लगता है। यदि पहले ही मेडिकल कॉलेज बना दिए जाते तो देश में डॉक्टर्स की कमी नहीं होती। वहीं मुख्यमंत्री ने मोदी के सामने एक बार फिर ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट को पूरा करने की मांग रखी और कहा कि सरकार कोई भी हो उसे विपक्ष का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बिना विपक्ष के सत्ता पक्ष कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री राजस्थान दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने नाथद्वारा में भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन के बाद रेलवे लाइन सहित 5,000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। नाथद्वारा में भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रोजेक्ट राजस्थान की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। मोदी के इस दौरे के साथ ही भाजपा ने राजस्थान में चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।